नमस्कार मित्रों, आज आप जया पार्वती व्रत विषे बात करीशू। आ व्रत अषाढ़ सुद तेरस दिवस शुरू कर अषाढ़ वद तीजना दिवसे पूरू करवानु होय छे। व्रत दरमियान रोज सवारे वहला उठी नाही धोई अने मंदिरे जई शंकर पार्वती नी भक्ति भावपूर्वक पूजा करवी। त्यार पछी एक टाणू करवू, एमा गोळ अने मीठा वगरनू भोजन लेवू। छेल्ला दिवसे जागरण करवू। आ व्रत करवाथी संतान सुख तथा सौभाग्य प्राप्त थाय छे। कोई एक गाम में ब्राह्मण अने ब्राह्मणी रहता हता। ब्राह्मणनु नाम सत्यव्रत तथा ब्राह्मणीनु नाम सत्यवती हतु। बन्ने जन भक्तिभाववाला तथा सद्गृहस्थ हता। तेमना आंगणे थी कोईपण अतिथि निराश थई पाछो जतो न हतो। तेओ बधीज वाते सुखी हता, पण तेमना घरे शेर माटीनी खोट हती। आथी ब्राह्मण अने ब्राह्मणी अंतरथी दुखी रहता हता। एक दिवस नारदजी तेमने त्या जई पहोंच्या। ब्राह्मण अने ब्राह्मणीए तेमनो प्रेमपूर्वक आदर सत्कार कर्यो। तेमनु आतिथ्य स्वीकार्या पछी नारदजीए तेमना समाचार पूछ्या। तेना जवाब में तेमणे कह्युं, आपना आशीर्वाद थी अमे बधी रीते सुखी छीए, पण अमारुं आंगणुं खाली छे। आ वात अमने कठे छे, माटे कृपा करी आनो कोई उपाय होय तो अमने जणावो। नारदजीए कह्युं, हे सत्यव्रत, आनो पण उपाय छे। जो सांभळ, तमे बन्ने जण अहींथी दक्षिण दिशा तरफ जाओ। त्यां गाढ़ जंगल में एक अपूज शिवलिंग तमने जोवा मळशे। घणा वर्षोथी तेनी पूजा कोई करतु नथी। त्यां जई बन्ने जण एक ध्यानथी भक्तिपूर्वक तेनी पूजा करजो। शिव पार्वती तमारू दुःख जरूर दूर करशे, एम कही नारदजी त्यांथी चाल्या गया। बीजा दिवसे ब्राह्मण अने ब्राह्मणीए दक्षिण दिशा तरफ प्रयाण कर्युं। चालता चालता तेओ सांज पड़े जंगल में आवी पहोंच्या। त्या तेमणे एक अवावरू शिव मंदिर जोयू। नारदजीना कहवा प्रमाणे तेमा एक शिवलिंग अपूज हतू। आथी ब्राह्मण अने ब्राह्मणीए त्या रही शिव पूजा करवानुं नक्की कर्युं। सत्यव्रत अने सत्यवती रोज सवारे वहला उठी नाही धोई भगवान शिवनी पूजा शुरू करवा लाग्या। आमने आम घणा वर्षो वीती गया, पण प्रभु प्रसन्न न थया। आथी पति पत्नी मूंझावा लाग्या के शू अमारी भक्ति निष्फळ जशे, प्रभु अमारी मनोकामना पूरी नहीं करे। एक वक्त सत्यव्रत फूल वीणवा क्यारनोय गयो हतो, पण मोड़ा सुधी पाछो न फर्यो। एटले सत्यवती ने चिंता थवा लागी। थोड़ी वार पछी ते तेना पतिनी शोध में निकली। एक झाड़ पासे आवी अने तेने जोयू तो तेनो पति मृत अवस्था में पड़ो हतो। सत्यव्रत सापना करड़वाना कारणे मृत्यु पाम्यो हतो। तेना पतिनी आवी करुण दशा जोई अने चौधार आसुड़े रड़वा लागी। एटलामां फरता फरता पार्वती त्या आवी चढ़या अने तेमणे सत्यवती ने रड़वानुं कारण पूछ्युं। तेना जवाबमां तेणे पोतानो पति सापना करड़वाना कारणे मृत्यु पाम्यो छे ते बधी हकीकत संभळावी। माता पार्वतीए तेने आश्वासन आपता कह्युं, बहन, तू जराय चिंता करीश नहीं, हूँ हमणां ज तारा पतिने सजीवन करी दऊं छूं। एम कही पार्वतीए सत्यव्रतना शव पर पाणी छाट्युं अने आथी ते तो आळस मरड़ी अने बैठो थयो अने साक्षात माताजीने सामे ऊभा रहेला जोई अने ते पगे पड्यो अने ब्राह्मणी पण तेमना पगे पड़ी। त्यार पछी ब्राह्मण ब्राह्मणीए पोतानी पुत्र प्राप्तिनी जंखना माताजीने कही संभळावी। तेना जवाबमां पार्वती बोल्या, तमे जया पार्वतीनु व्रत करो तो तमने संतान सुख प्राप्त थशे। माताजी, ए व्रत केवी रीते करवानुं? सत्यवतीए पूछ्युं। पार्वतीए कह्युं, आ व्रत अषाढ़ मासनी अजवाड़ी तेरसथी शुरू करी अने अंधारी त्रीजे पूरू करवानुं। ए दरमियान गोळ अने मीठा वगरनुं भोजन एकवार करवुं। छेल्ला दिवसे जागरण करवुं। ए वखते शिव पार्वतीनी स्तुति भजन गरबा वगैरे गावा। आ रीते 20 वर्ष सुधी आ व्रत करवुं अने दर वर्षे 1 अथवा 5 सौभाग्यवती स्त्री ने भोजन करावू, यथाशक्ति वस्त्र अने सौभाग्य चिन्हों आपवा। आ प्रमाणे व्रत करवाथी निसंतान स्त्रीओ ने संतान प्राप्त थाय छे अने स्त्रीनुं सौभाग्य अखंड रहे छे। आम कही पार्वती अंतरध्यान थई गया। सत्यव्रत अने सत्यवती व्रतनी विधि सांभळी पोताना घरे पाछा फर्या अने जया पार्वतीनुं व्रत करवा लाग्या। व्रतना फल स्वरूपे थोड़ा समय पछी तेमने त्यां
पुत्र रत्ननो जन्म थयो। आथी पति पत्नी खूब खुश थई गया अने पुत्र साथे बाकीनु जीवन सुखेथी पसार करवा लाग्या। जया पार्वतीनु व्रत जेम सत्यव्रत अने सत्यवतीने फळ्यु तेम आ व्रत करनार सांभळनार अने कहनारने पण फळजो। अने अमारी चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। तो